हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो आज जो है आपकी कंप्यूटर की क्लास नेक्स्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने लास्ट क्लास में यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे पूछा था, ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ठीक आंसर दिया था। तो ये वही क्वेश्चन है, यू कैन यूज़ दी टैब की टू डैश। ओके, तो आपका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, एंड ऑप्शन बी, आइडेंट अ पैराग्राफ। क्लियर? ऑप्शन जो आपका डी था ये बिल्कुल आपका सही आंसर था। सो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। क्वेश्चन पढ़ने से पहले, समझाने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को बोल दूंगी, काफ़ी स्टूडेंट्स यानी कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि मैम जो है आप बहुत ही स्लो पढ़ाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं, आप कोई भी स्पीड में यहाँ पर चैनल पर जाके यूट्यूब पे आपको यहाँ पर प्ले स्पीड दिखाई जाती है, ठीक है, आपको जितने स्पीड में देखना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। मैं स्लो बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ, इसका कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, उधर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बतानी है। तो आपका जो ऑप्शन ए है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है ये एग्जाम्पल है ऑप्टिकल डिस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप अ पीसी। सो पीसी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेशन में लिखिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पर पूछा गया है क्या होता है जब आप अपने पीसी को जो है यहाँ पर बूट करते हैं, बूट अप करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड डैश, ठीक है, एक ईमेल अकाउंट में अगर इंक्लूड करें और स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। ए देखिए, ऑप्शन ए आपके पास आ जाता है मेल बॉक्स, बी है हाइपरलिंक, सी है आईपी एड्रेस, एंड डी है आपके पास नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मेल बॉक्स, ठीक है, मेल बॉक्स जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, बाय डिफ़ॉल्ट अ रियल नंबर इज़ ट्रीटेड एज अ, ऑप्शन ए इंटीजर, बी फ्लॉट, डबल, एंड डी इज़ द लॉन्ग डबल, ठीक है। सो रियल नंबर किससे ट्रीट करता है, ऑप्शन बी इज़ दी फ्लोट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया, ठीक है, क्या चीज़ है, कौन सा जो है यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड करता है एक नेटवर्क बैकबोन, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। सो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए जो आपका है ये बिल्कुल सही है, NIC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन डैश, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं आपको जब आप कंप्यूटर जो है हाउस पर आते हैं, यानी कि होम पेज पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं, सो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन ए देखिए रैम, बी है CD-ROM, सी है रोम चिप,
और डी है नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि रोम चिप, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये बहुत ही पॉपुलर है मीडियम फॉर किसके लिए। ऑप्शन ए सीक्वेंटल असेस के लिए, बी डायरेक्ट असेस, सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दी अबव। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। सबको पता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से, डोंट बी लेट। सो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क है, बी हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड सी ऑप्टिकल डिस्क, एंड ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। आपका सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है ये स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क भी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी, और ऑप्टिकल डिस्क जो है ये स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। सो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज की आपको यहाँ पर बेसिक की फुल फॉर्म बतानी है, तो कौन सी है आपकी यहाँ पर सही जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपको फाइल एक्सटेंशन का यहाँ पर जो यहाँ पर आप बनाते हो वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, तो क्या जो है शॉर्टकट जो यहाँ पर आपको बताना है वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट डॉक, ठीक है डॉक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, एनी डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन देखिए बूटस्ट्रैपिंग इज आल्सो नाउन एज, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बूटस्ट्रैपिंग जो है इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हॉट बोट, बी कोल्ड हार्ड बूट, सी कोल्ड बूट, एंड ऑप्शन डी है क्विक बूट। आपका ऑप्शन जो सही है वो है सी जो कि कोल्ड बूट। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इज इनकोरेक्ट। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है फायरवॉल के अबाउट के बारे में, कौन सी इनकोरेक्ट है यहाँ पर। तो आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट इसमें आ गई आपकी ऑप्शन सी, इट इज़ अनेबल टू परमिट लेजिटिमेट कम्युनिकेशन टू पास। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। एक वेबसाइट को अगर अनदर वेबसाइट पर मूव किया जाए सो उसको क्या कहा जाता है, ए ब्राउजिंग, बी अटैचिंग, सी डाउनलोडिंग, एंड ऑप्शन डी है अपलोडिंग। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, ऑप्शन बिल्कुल सही है जो वो है ऑप्शन ए इज दी दैट इज
called browsing. Next question है आपके पास. A dash is the main printed circuit board PCB in a computer. PCB की full form होगी printed circuit board. इसका जो यहाँ पे main printed है कौन सा है computer का? CPU, motherboard या option C ROM. तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी इज दी मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को कमांड दोगे देन आपका जो है यहाँ पर प्रिंटेड होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट आता है कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं हमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कॉमनली यूज्ड एब्रीवेशन OS इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर. ठीक है, यहाँ पर OS की एब्रीवेशन बतानी है आपको. कंप्यूटर साइंस में स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सर्च, ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, या आपके पास ऑप्शन डी है ऑप्टिमाइजेशन सर्च. ठीक है, OS की फुल फॉर्म सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of these is not an operating system? इनमें से कौन सा operating system नहीं है? Option A, SQL, B, Linux, C, Unix, and option आपके पास D है Mac OS. ठीक है, तो आपका सही आंसर option A, SQL जो है ये operating system नहीं है. क्लियर. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन टू गेट प्लेस इन द डैश. जब आप इंफॉर्मेशन कट या कॉपी करते हो देन कौन सी प्लेस पे जो है यहाँ पर आपको मिलता है ये सब इंफॉर्मेशन? क्लिपबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए क्लिपबोर्ड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज नोटेशन, पेज ओरिएंटेशंस, पेज लेआउट या पेज साइज. ऑप्शन बी पेज ओरिएंटेशंस में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होता है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर. ENIAC की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ऑप्शन बी जो है ये आपकी फुल फॉर्म है ENIAC की. कौन सी फील्ड का है? कंप्यूटिंग का. किस पर स्टैंड है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट है आपके पास, सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए. नेक्स्ट है आपके पास, हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडिड लेटर टू द सिस्टम आर डैश. हार्डवेयर डिवाइस का आपको यहाँ पर कौन सा पार्ट नहीं है मेन कंप्यूटर का वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देखिए क्लिप आर्ट, बी हाईलाइट, सी एग्जीक्यूट एंड ऑप्शन डी है आपके पास पेरिफेरल्स. ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन HTML डैश इज एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड यूजली कंटेन्स डिस्क्लेमर्स, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. कहाँ पर पाया जाता है HTML में? वो पाया जाता है आपका ऑप्शन जो है डी फुटर एरिया में. क्लियर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन द वेब. सो आपका सही आंसर ऑप्शन डी, वेबसाइट्स. ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस जो है वो एक बहुत ही यूनिक नेम है, दैट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नेम इज वेबसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क. तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल आल्ट. द कंट्रोल की एंड द आल्ट की कैन बी यूज्ड टू कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट्स एंड स्पेशल टास्क. कंट्रोल एंड आल्ट को जब आप प्रेस करते हो तब आपको जो इन दोनों कीज़ को जो यूज़ करते हो देन आपका जो है क्या परफॉर्म होता है, कोई भी शॉर्टकट कीज़ या स्पेशल टास्क यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट ईच नंबर एंड ईच स्पेशल करेक्टर इज मेड अप ऑफ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डैश. बाइनरी लैंग्वेज में आपको हर एक लेटर मिलता है, अल्फ़ाबेट, हर एक नंबर, हर एक स्पेशल करेक्टर जो बना है यूनिक कॉम्बिनेशन से, किससे? ऑप्शन ए, 8 बाइट से. ऑप्शन ए जो है इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइट्स. क्लियर? सो ये थे आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास जो कि कंप्यूटर के ऊपर थी. ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए. चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. बाकी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमें क्वेरीज कर सकते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए. कोई भी कहीं पे डाउट आता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए स्टूडेंट्स. बाय बाय, टेक केयर.